आज मैं बना रही हूँ गेहूं के आटे का डोसा। अगर आपको कुछ टेस्टी खाना है, वो भी बिना किसी तामझाम के, तो ये रेसिपी आपके लिए सबसे बेस्ट है। इसके लिए आपको एक मीडियम बड़े साइज़ का एक कच्चा आलू लेना है और उसको ग्रेटर की हेल्प से बिल्कुल बारीक ग्रेट कर लेना है इस तरह से। फिर हम इसमें 1 कप आटा डालेंगे और आधी कप सूजी लेंगे। सूजी से डोसा अच्छा क्रिस्पी बनेगा, इसलिए आप सूजी का यूज़ ज़रूर करें। मेज़रमेंट के लिए आप घर में नॉर्मल कटोरियाँ या कप होते हैं उनका भी यूज़ कर सकते हैं। फिर आलू, सूजी और आटे को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप चाहें तो हाथों की हेल्प से भी अच्छे से मिक्स कर सकते हैं। फिर हम इसमें 1 कप पानी डालेंगे। ध्यान रहे कि आप स्टार्टिंग में पानी थोड़ा थोड़ा करके ही डालें, क्योंकि इससे आटा जो है वो अच्छे से मिक्स हो जाएगा। इसमें मैंने 1 कप पानी का यूज़ किया है, टोटल इसमें 3 कप पानी का यूज़ होगा। और अगर मैं नाप से बताऊँ तो 1 कप आटा लगेगा, आधी कप सूजी लगेगी और 3 कप पानी का यूज़ करेंगे। और बैटर हम इनको बैटर को बिल्कुल पतला रखेंगे, इस तरह बिल्कुल फ्लो करता हुआ होना चाहिए, जिससे कि ये डोसा बिल्कुल अच्छा के जालीदार और बिल्कुल क्रिस्पी बने। इस तरह बिल्कुल फ्लो करता हुआ होना चाहिए। ये डोसा बिल्कुल हेल्दी है, आप चाहें तो ब्रेकफास्ट या बच्चों के टिफ़िन में भी, या बहुत ही हेल्दी है तो आप इसे कभी भी बना सकते हैं। फिर हम इसमें कुछ मसाले डालेंगे। तो मसालों में मैंने 1/2 टीस्पून जीरा लिया है, थोड़े से कड़ी पत्ता लिए है, स्वाद अनुसार नमक डालेंगे, 1 टीस्पून सफ़ेद तिल का तेल डालेंगे और थोड़ी सी लाल मिर्ची डालेंगे। आप चाहें तो लाल मिर्ची की जगह हरी मिर्च का भी यूज़ कर सकते हैं। एंड 1/2 टीस्पून कद्दूकस किया हुआ अदरक डालेंगे, थोड़ा सा गरम मसाला डालेंगे और थोड़ा सा फ्रेश धनिया डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मसाले आप अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा या आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। फिर हम इसमें 1/2 टीस्पून सौंफ डालेंगे। सौंफ डालने से इसका टेस्ट डोसे का है जो काफ़ी अच्छा हो जाएगा, तो आप इसे ज़रूर डालें। फिर मैंने इसमें 1/2 नींबू का रस डाला है। नींबू का रस डालने से क्या होगा कि इसको फर्मेंट करने की ज़रूरत नहीं बनेगी और आप इसे तुरंत बना सकते हैं। इसमें इनो या खाने का सोडा, जिसे बेकिंग सोडा कहते हैं, उसका यूज़ हम नहीं करेंगे। और जब तक बैटर सेट होगा, हम टमाटर की एकदम चटपटी और स्पाइसी चीज़ चटनी बना देंगे। तो इसके लिए हम कढ़ाई लेंगे, उसमें थोड़ा सा सरसों का तेल डालेंगे। आप चाहें तो कोई सा भी तेल यूज़ कर सकते हैं, लेकिन सरसों के तेल में चटनी अच्छी बनती है, इसलिए मैंने सरसों का तेल लिया है। फिर तेल के गर्म होते हम इसमें राई के बीज डालेंगे, फिर थोड़ा सा चना दाल डालेंगे, थोड़े से कड़ी पत्ता डालेंगे और इसे थोड़ा सा भून लेंगे। जैसे ये भुन जाएंगे तो हम इसमें 6 से 7 लहसुन की कली डालेंगे और 2 से 3 सूखी लाल मिर्च डालेंगे। लाल मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर ज़्यादा स्पाइसी है तो आप इसमें 1 से 2 लाल मिर्ची ही डालें। फिर इसमें मैंने 1 कप मीडियम साइज़ के कटे हुए टमाटर डाले हैं। टमाटर के डालते ही आप नमक ज़रूर डालें, क्योंकि इससे क्या है कि टमाटर जल्दी सॉफ्ट हो जाते हैं। फिर इसमें मैंने 1/2 कप पानी लिया है। फिर थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च डाली है। कश्मीरी लाल मिर्च डालना ऑप्शनल है, बस इसे कलर अच्छा आ जाता है, इसलिए मैंने कश्मीरी लाल मिर्च डाली है। 1/2 टीस्पून शुगर डाली है एंड 1/2 टीस्पून ब्लैक सॉल्ट डाला है, जिसे हम काला नमक भी कहते हैं। शुगर से क्या होगा कि जो टमाटर का जो खट्टा मीठा टेस्ट है वो बिल्कुल बैलेंस हो जाएगा और चटनी काफ़ी अच्छी बनेगी। अब हम टमाटर को बहुत ज़्यादा ओवर कुक नहीं करेंगे, जैसे ही ये थोड़े सॉफ्ट होने लगेंगे हम गैस की फ्लेम बंद कर देंगे और इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। फिर हम इसे मिक्सर जार में डालेंगे और इसको अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। इसमें हम चटनी में पानी नहीं डालेंगे, क्योंकि हम पानी का यूज़ पहले कर चुके हैं, तो इसमें पानी नहीं डालेंगे और इसको इस तरह बारीक पीस लेंगे। यानी आप देख सकते हैं कि आपकी चटपटी और स्पाइसी चटनी बन के तैयार है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। और फिर हम नॉनस्टिक पैन लेंगे और पैन पे हम थोड़ा सा घी लगाएंगे, आप चाहें तो तेल भी लगा सकते हैं। और जब आप बैटर डालें तो ये ध्यान रहे कि पैन जो है नॉनस्टिक पैन वो काफ़ी गर्म होना चाहिए, लेकिन आप बैटर डालें तो गैस की फ्लेम मीडियम टू लो कर दें और बैटर को हम पूरे पैन पे अच्छे तरह फैला देंगे। जैसे ही नीचे से अच्छे से सिक जाएगा डोसा, तो हम थोड़ा सा ऊपर से घी या तेल डालेंगे और साइड से इसके किनारे हटाते हुए इसको अच्छे से पलट देंगे। एंड आपको पलटते ही पता चल रहा होगा कि ये कितना क्रिस्पी और अच्छा बना है। आप चाहें तो इसे एक साइड से भी सेक सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड है, आपकी मर्जी पे डिपेंड है। मैंने इसे दोनों तरफ से सेका है। अगर आपको लगता है कि आपका डोसा थोड़ा क्रिस्पी कम है, तो आप इसे स्टेज पे थोड़ी सी सूजी और डाल सकते हैं। सूजी का ये है कि सूजी से ये क्रिस्पी बनेगा, तो अगर आपको थोड़ा कम क्रिस्पी लग रहा है तो आप सूजी डाल सकते हैं। मैं आपको फोल्ड करके बताती हूँ कि कितना टेस्टी बना है। दोनों तरफ से अच्छे से सिक गया है। अब मैं आपको एक और बैटर डाल के बताती हूँ। जब भी आप बैटर डालें तो गैस की फ्लेम कम कर दें, लेकिन जो पैन है बिल्कुल गर्म होना चाहिए, क्योंकि इससे डोसा है वो एकदम जालीदार बनेगा और बहुत ही
अच्छा भी मतलब एकदम क्रिस्पी बनेगा। जैसे ही डोसा नीचे से सिकने लगे, जैसे इस पे जाली आ जाए, तो इस पे थोड़ा सा घी या तेल डालेंगे। मैं आपको थोड़ा सा पैन उठा के बताती हूँ कि ये इस पे ये कितना जालीदार बनाए। और इस पे नीचे से ये अच्छे से सिक भी गया है, थोड़ा गोल्डन ब्राउन हो गया है, तो इसे स्टेज पे मैं आपको पलट के बताती हूँ। साइड से इसके किनारे हटा देंगे और इसे इस तरह फोल्ड कर देंगे। आप देख सकते हैं कि ये कितना क्रिस्पी बनाए, तो एकदम से हेल बहुत इजीली बन जाता है बहुत ही कम सामानों से ये डोसा, और एकदम हेल्दी भी है। तो आप इसे ब्रेकफास्ट, डिनर में या बच्चों को दे सकते हैं। और आपको ये रेसिपी कैसी लगी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी है तो आप चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर करें।